बिहार महागठबंधन आज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली हो रही है। रैली के लिए गांधी मैदान में महागठबंधन समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। रैली को तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। साथ ही वाम दलों के दिग्गज नेता भी रैली मंच पर दिखेंगे। फिलहाल कई बड़े नेता रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। अब बस बड़े नेताओं का इंतजार है और इसके बाद से रैली शुरू हो जाएगी। तो रैली के लिए गांधी मैदान में महागठबंधन समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रैली को तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। साथ ही वाम दलों के दिग्गज नेता भी रैली मंच पर दिखेंगे। तो फिलहाल कई बड़े नेता रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा है, अब बड़े नेताओं का बस इंतजार। उधर समर्थकों के उत्साह को देख करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी गदगद दिख रही हैं। समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ राबड़ी आवास पहुंचे। वो रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे थे। उनके उत्साह को देखते हुए राबड़ी आवास को खोल दिया गया था, जिसके बाद वो राबड़ी आवास के अंदर गए और लालू यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी ट्रैक्टर पर लालटेन लगाकर गांधी मैदान की ओर निकल गए। पूरा पटना पट गया है। गांधी मैदान से ज्यादा भीड़ पटना में दिखावलो घूम के, और तुम्हें लोग सच दिखाई बोलो चाहे झूठ दिखावलो चाहे मन दिखावलो, उनका कोई हम लोग नाराज नहीं है। आप दिखाइए चाहे मन दिखाइए। रिकॉर्ड बेटा तोड़ेगा, आप देखिए रहे हैं। पूरा पूरा बिहार से लोग उठ के आया है, चारों ओर से लोग आया है। और झारखंड मैडम क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग पहुंचे, पूरा पटना पट गया। तो सुना आपने, राबड़ी देवी काफी उत्साहित है, काफी खुश है, कह रही है कि पूरा पटना पट गया है। रैली को लेकर के, जनविश्वास रैली को लेकर के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी गदगद दिख रहे हैं। समर्थक ढोल नगाड़े के साथ राबड़ी आवास पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे थे। वो रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उनके उत्साह को देखते हुए राबड़ी आवास को खोल दिया गया, जिसके बाद वो राबड़ी आवास के अंदर गए और लालू यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी ट्रैक्टर पर लालटेन लगाकर गांधी मैदान की ओर निकल पड़े। तो काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में भी, लालू प्रसाद यादव में भी, राबड़ी देवी में भी और तेजस्वी प्रसाद यादव में भी। तो रैली को संबोधित कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। बस इंतजार है बड़े नेताओं का, उसके बाद रैली निकाली जाएगी। हाथ में झंडा है और राबड़ी देवी इतने उत्साहित है कि कह रही पूरा पटना पट गया है, जैसे कि कह रही हैं और जैसे कि तस्वीरें बयां कर रही हैं, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा, अब देखना ये होगा कि इस यात्रा से जनता का कितना विश्वास जीतते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी भी, क्योंकि ये यात्रा तीनों लोग का है, सबका है, इंडिया गठबंधन का। ये बड़ा रोल होगा यहाँ पर, बड़ा समय होगा, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जिसमें राहुल गांधी सीधे जनता को संबोधित करेंगे, उनसे जुड़ पाएंगे और जुड़ करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राबड़ी आवाज से। आशुतोष, राबड़ी देवी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। उनसे पूछा आपने कि कितने कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने कहा कि पूरा पटना पट गया है। मैच कुछ ही समय है, रैली निकलेगी, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लालू परिवार में? नहीं, बिल्कुल, यात्रा अब खत्म हो चुका है और अब रैली की बारी है, महारैली की बारी है। और हम तस्वीर आपको दिखा दें कि इस वक्त हम लोग राबड़ी आवास पर हैं और आप देख सकते हैं कि जो समय बताया गया है वो समय लगभग 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी निकलेंगे गांधी मैदान के लिए और रथ तैयार है। आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का रथ तैयार है और जो सूचना मिल रही है उसी रथ से गांधी मैदान की तरफ लालू प्रसाद यादव जाएंगे। एक और सूचना मिल रही है, उस सूचना के मुताबिक तेजस्वी यादव राहुल गांधी को लाने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। और देखिए, बस अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
तो जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव राहुल गांधी को लाने जाएंगे, और एक सूचना ये है कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ गांधी मैदान जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर इस तैयारी के लिए, इस महारैली के लिए एक तेजस्वी यादव की तरफ से यात्रा निकाली गई थी, रोड शो किया गया था, जगह जगह सभाएं की गई थी, और उसके बाद सभी युवाओं को, जितने भी लोग हैं, उनसे सपोर्ट मांगा था। तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के काम का हिसाब दिया था और ये कहा था कि आप जरूर सपोर्ट करें और रैली में जरूर शामिल हो। बाद में ये RJD की रैली ना होकर के महागठबंधन की रैली हो गई, और इसमें जो देश के बड़े बड़े नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी इस रैली में शामिल हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी इसमें शामिल है। तो महागठबंधन के जो नेता हैं वो इस रैली में शामिल हो रहे हैं, और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से अब तैयारी चल रही है, और कुछ ही देर में यहाँ पर जो गाड़ी है वो निकल सकता है, ये रथ निकल सकता है, और इसी रथ से तेजस्वी यादव ने अपनी सभाएं की थी, अपना रोड शो किया था, और अब जो फाइनल रिजल्ट होता है आखिर गांधी मैदान में क्या वाकई लालू प्रसाद यादव की जो रैलियां पहले हुआ करती थी, महारैला हुआ करता था, अब तक का जो इतिहास है क्या वाकई वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि जो समर्थक हैं उनका मानना है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और ये रिकॉर्ड टूटेगा। और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पहली बार कह सकता है कि महागठबंधन का जो शक्ति प्रदर्शन है वो शक्ति प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगा, और एक सिरे से जो समर्थक है वो यही मानते हैं कि अब वक्त आ गया है जब तेजस्वी यादव नेतृत्व करे बिहार का। बिल्कुल तो RJD विधायक राकेश रोशन का बड़ा आरोप सामने आया है, रैली में आने से कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है प्रशासन पर, लोगों को रोकने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने फोन करके जानकारी दी है, तो राकेश का बड़ा बयान सामने आ रहा है। RJD विधायक राकेश रोशन, उनका कहना है कि रैली में कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है आने से, प्रशासन पर लोगों को रोकने का आरोप लगाया है राकेश रोशन ने। कार्यकर्ताओं ने फोन करके उनको जानकारी दी है। लाखों की संख्या में लोग पटना पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे जगहों पर हमारे साथियों को प्रशासन के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम तरह के अवरोधों का सामना करते हुए हमारे सारे समर्थक और कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, RJD के विधायक राकेश रोशन वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, प्रशासन पर सीधा आरोप है उनका, क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, JP गंगा पथ जो था, जो सूचना मिल रही थी कल रात में, बहुत सारी गाड़ियां उस रास्ते से आ रही थी गांधी मैदान के तरफ, और वहां पर गाड़ियों को रोका गया, चूंकि पूरे शहर में ये कोशिश की जा रही थी जिला प्रशासन की तरफ से कि बड़ी गाड़ियां ना आए, क्योंकि जब गाड़ियां आ जाएंगी तो पूरी तरीके से ट्रैफिक चौक हो जाएगा। हालांकि बड़े पैमाने पर गाड़ियां भी पहुंची हैं समर्थकों की, लेकिन आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव को जब इस बात की सूचना मिली तो वो तत्काल वहां पर पहुंचे थे और गाड़ी छोड़ने की अपील भी कर रहे थे पुलिस कर्मियों से। आपको हम थोड़ी तस्वीर दिखा दें कि अभी जो तैयारी चल रही है, आप दिखाएं कि कैमरा पर्सन से कहेंगे कि रथ किस तरह से तैयार हो रहा है, और जो ऊपर जो रूफ होता है वहां पर ये माना जा रहा है कि वहां से भी लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव रूफ पर आएंगे और अपने जो समर्थक है उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो चूंकि कल की बात करें तो कल स्वाभाविक तौर पर जितने भी विधायक थे जो, या फिर MLC हैं या फिर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी के तरफ से रैली में बड़े पैमाने पर लोगों को लाने की व्यवस्था की गई थी, और रैली में जो लोग आए हैं उन्हें कोई कठिनाई ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े तादाद में लोगों को पटना में ठीक जगह पर ठहराना, और गाड़ी कहाँ पार्क की जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती
की स्थिति थी। तो चूंकि गाड़ियों को शहर के बाहर रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद तेज प्रताप यादव भी एक्टिव हुए, आरजेडी के नेता भी एक्टिव हुए और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो कार्यकर्ता पटना के तरफ गांधी मैदान के तरफ आ रहे हैं उनको आने दिया जाए, उनको रोका नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आशुतोष इसी वजह से शायद राकेश रोशन ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है रैली में आने से। लेकिन फिलहाल आशुतोष, जो आसपास कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत कीजिए क्योंकि महारैली है और इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ बाहर से यानी कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो इस रैली को लेकर के कार्यकर्ता में भी काफी उत्साहित है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस यात्रा से, इस रैली से, सवाल कीजिएगा। देखो बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए भैया, आप कहाँ से आए हैं? ये राघुपुर से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? यही पटना के ही हैं। किस तरह से रैली को देखते हैं आप लोग? ये रैली नहीं, ये बिहार की बदलती तस्वीर का नजारा है, ठीक है। और इन 17 महीनों में डिप्टी सीएम रहते हुए जब तेजस्वी ने 2 लाख से ऊपर नौकरियां देने का, तो ये युवा नया बिहार है, ये युवा बिहार है। और बिहार की जनता अब जान चुकी है कि अब ढकोसलाबाजी से नहीं चलेगा, काम करेंगे। तेजस्वी ने 17 महीना में डिप्टी सीएम रहते हुए 2 लाख से जब ऊपर नौकरियां दे चुके हैं तो उनको एक बार सीएम बना के हम देखेंगे। और जानते हैं कि आज बिहार की जनता बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, लेकिन मुझे पता है कि ये आदमी आज के डेट में बिहार के किसी जनता को बाहर जाने नहीं देगा। अगर ये अगर डिप्टी सीएम रहते हुए 2 लाख नौकरी से ऊपर दे सकते हैं तो एक बार सीएम बना के भी हम देखेंगे, बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है लालू जी की रैली का रिकॉर्ड टूट जाएगा? हमको लगता है कि रिकॉर्ड टूट जाएगा, ये रैली नहीं है, महारैला है, इसको महारैला कहते हैं। लालू जी से एक कदम आगे निकल जाएंगे तेजस्वी जी? वो हो जाएगा, जरूर होगा। हम लोग युवा के साथ पूरा सपोर्ट, युवा का जरूर होगा, ये हम लोग युवा एक साथ हैं। हम पूरा वोट आरजेडी को देंगे, पूरा युवा एक साथ है। हम पलटू चाचा साहब थक चुके हैं, अब उनसे थक चुके हैं। वो तो रिकॉर्ड, वो तो क्वेश्चन आ रहा ना, अब एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑप्शन आएगा। बताइए बिहार में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है पूरे भारत में जो इतना बार बढ़ रहे हैं, सीएम बने हैं? वो तो क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा उसका। अच्छा, तेजस्वी यादव पे इतना भरोसा क्यों है? भरोसा इसलिए है कि युवा है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में ही रोजगार, नीतीश कुमार कह रहे थे कहाँ से वैकेंसी निकाल के दिया ना, इस लोग इसमें टैलेंट है, ये हम युवाओं को आगे बढ़ा के ले। ठीक है, युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आशुतोष, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।